हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 5 एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका है। पहला, विच सब्सटेंस गिव हीट एंड लाइट आफ्टर कंबशन। इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो हीट और लाइट देता है कंबशन के बाद। ए फ्लेम, बी फ्यूल, सी कंबशन, डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है फ्यूल। जो फ्यूल होता है वो जलने के बाद जो है क्या करता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, लाइक फ्यूल एंड द सन आल्सो प्रोवाइड हीट एंड लाइट, द प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द सन इज कॉल्ड। जब फ्यूल जलता है तो हमें हीट और लाइट प्रोवाइड करता है, तो सन भी हमें हीट और लाइट प्रोवाइड करता है। तो जब सन के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है जिससे हमें हीट और लाइट प्रोवाइड होती है? ए कंबशन, बी न्यूक्लियर प्रोसेस, सी बर्निंग, डी ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है न्यूक्लियर प्रोसेस। ठीक है, न्यूक्लियर प्रोसेस होती है। सन जो होता है ना, सन के अंदर हाइड्रोजन गैसेस होती हैं और वो बहुत तेज़ी से मूव करती हैं और आपस में जो है टकरा जाती हैं। टकराने पे क्या बना लेती हैं? हीलियम। और यही क्या होता है? न्यूक्लियर प्रोसेस होता है, जो कि हमें सन से हीट और लाइट मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कोल बर्न विद। कोल किसके साथ जलता है? फ्लेम के साथ। ओनली ग्लो होता है, बोथ फ्लेम एंड ग्लो एंड नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है इसका बी। राइट आंसर है ओनली ग्लो, सिर्फ ग्लो होता है। आपको अलग सर्दियों में जला के हम अंदर रखते हैं ना घर के, तो ग्लो होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्निंग ऑफ चारकोल इन ए क्लोज रूम विल प्रोड्यूस। चारकोल जब जलता है तो क्या प्रोड्यूस होता है बंद कमरे में? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO इसका फॉर्मूला होता है। और अगर बंद कमरे में हम इसको जलाएंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी तो कई बार क्या होता है, डेथ भी हो जाती है। आप सो गए और आपने उसको जला दिया तो बंद कमरे में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी पॉइजनस गैस है आपको पता भी नहीं लगेगा, सोते सोते डेथ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर विल, एज सब्सटेंस जिसमें सबसे कम इग्निशन टेम्परेचर होता है वो क्या करता है? कैच फायर इजीली, बी विल नॉट कैच फायर, सी कैच फायर आफ्टर सम टाइम, डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है कैच फायर इजीली, जिसका इग्निशन टेम्परेचर जितना कम होगा उसमें फायर जो है वो बहुत ईजीली कैच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, CNG एंड LPG आर द एग्जाम्पल ऑफ। CNG और LPG किसका एग्जाम्पल है? सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, गैसेस फ्यूल, दे आर नॉट फ्यूल। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है गैसेस फ्यूल। CNG और LPG दोनों ही गैस होती है। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 7, इग्निशन टेम्परेचर इज। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? लोएस्ट टेम्परेचर एट कैच फायर, हाईएस्ट टेम्परेचर एट कैच फायर, एनी टेम्परेचर या नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है एनी टेम्परेचर, चाहे लोएस्ट हो चाहे हाईएस्ट हो। जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो किसी का भी कम हो सकता है, किसी का भी ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, कंबशन इज ए केमिकल प्रोसेस, बी फिजिकल प्रोसेस, सी बोथ ऑफ दिस प्रोसेस, डी नन ऑफ दिस प्रोसेस। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है केमिकल प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन आर। जो प्रोडक्ट होता है मतलब जलने के बाद जो प्रोडक्ट निकलता है वो कौन से होते हैं? ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बी ऑक्सीजन एंड वाटर, सी ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, डी ओनली ऑक्सीजन। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब कोई भी चीज़ जलती है तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कुछ मात्रा में वाटर भी प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर फॉलोइंग जोन ऑफ ए फ्लेम। फ्लेम में कितनी जोन होती है? 2, 3, 4, नो एनी जोन।
तो राइट आंसर क्या है? 3। जो कैंडल है या किसी भी चीज़ की फ्लेम ले लो, वो क्या होती है? 3 फ्लेम होती है। सबसे ऊपर वाली जो है ब्लू कलर होती है और बहुत हॉट होती है, नीचे वाली जो है वो कैसी होती है? येलो होती है और कम हॉट होती है, और सबसे नीचे वाली ब्लैक होती है और बहुत ही कम हॉट होती है ना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।